जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया होगा आप लोगों की जिंदगी में। सामने जो गाड़ी आप देख रहे हो ये है सुजुकी की SX250। ये गाड़ी जो है वो एडवेंचर जो लोग को पसंद है उन लोगों के लिए बहुत अच्छी गाड़ी है। तीन कलर ऑप्शन में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। गाड़ी की कीमत मैं पहले ही बता देता हूँ, ये गाड़ी अगर आप देखो तो ऑन रोड मुंबई में 2.5 लाख रुपए की पड़ेगी। और भी अच्छे अच्छे फीचर्स हैं इस गाड़ी के, वो लोग हम आगे बात करेंगे इस वीडियो में, वो बताऊंगा मैं आप लोगों को। और इसकी टेस्ट ड्राइव जो गाड़ी है इसकी लेंगे और लेने के लिए जा रहे हैं अभी हम लोग, और जो भी फीचर्स होंगे इसमें, जो भी कमियां होंगी, ये सारी हम लोग आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो गाड़ी की बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे देता हूं। गाड़ी है सुजुकी कंपनी की। इस गाड़ी में आप लोगों को 250 सीसी का इंजन देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आप लोगों को 6 स्पीड गियरबॉक्स देखने के लिए मिल जाएंगे। गाड़ी जो है वो एडवेंचर पर्पज से बनाई गई है, तो ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है, टायर्स बहुत अच्छे हैं इस गाड़ी के। रग्ड गाड़ी है ये, कोई रफ टफ गाड़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को ऑफ रोडिंग करने में। गाड़ी की और अच्छी अच्छी खूबियाँ मैं आप लोगों को इस वीडियो में आगे बताऊँगा। और इसका प्राइस तो मैंने पहले ही बता दिया है, 2.5 लाख रुपए ऑन रोड पड़ रही है। अभी कुछ ऑफ़र्स भी चल रहे हैं, तो अभी जाकर अगर आप इस गाड़ी को लोगे तो कुछ ऑफ़र्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे। इस गाड़ी में आप लोगों को 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन देखने के लिए मिलेगा। और इस गाड़ी का माइलेज कंपनी ऑफर करती है 36 KMPL। गाड़ी जो कंपटीशन में है रॉयल इनफील्ड की हिमालयन, लेकिन जब मैंने पहली बार इस गाड़ी को देखा था तो ये मुझे BMW की फर्स्ट कॉपी लग रही थी। BMW की एक गाड़ी आती है जिसका नाम है GS 310, उसकी एकदम फर्स्ट कॉपी है ये एकदम। मुझे तो देखकर यही लगा, क्या लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस गाड़ी के और भी कूल फीचर्स हैं, जैसे कि मोबाइल चार्ज करने के लिए USB भी दिया गया है। ये सबसे अच्छा फीचर है, अगर बाहर जाओ तो गाड़ी में ही चार्ज हो जाए मोबाइल। एक कंटेंट क्रिएटर के लिए तो बहुत अच्छी है गाड़ी। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के कुछ ऐसे फीचर्स की जो इसे नॉर्मल गाड़ियों से अलग बताती है। जैसे कि मैंने आप लोगों को वीडियो की स्टार्टिंग बताया था, ये एक एडवेंचरर बाइक है। इसे आप लोग हिमालयन हो गया, लद्दाख हो गया, ऐसी जगह पर लेके जाओगे। तो इंजन सबसे अच्छा होना चाहिए इस गाड़ी का, तो इसमें पावरफुल 250 CC का इंजन मिलेगा, 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर, जो कि बहुत तगड़ा इंजन है और आपको परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को रोड पर। इस इंजन की सबसे अच्छी बात यह है लाइट वेट इंजन है, मतलब ज़्यादा वजन नहीं है इस इंजन का, तो ये परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, गाड़ी हल्की रहेगी तो एडवेंचर करने में भी मज़ा आएगा। हम लोग हैं भारतीय और हमें चाहिए एक पावरफुल लेकिन फ्यूल एफिशिएंट बाइक, तो ये गाड़ी जो है वो एवरेज भी अच्छा खासा है। 36 KMPL का कंपनी क्लेम कर रही है, तो 30 का तो आराम से देगी ये, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो एवरेज के मामले में भी नंबर 1 ये गाड़ी। तीसरा अच्छा फीचर है इसमें सुजुकी ऑयल कूलिंग सिस्टम, जो कि है अगर आप एडवेंचर करने के शौकीन हो तो आपकी गाड़ी गर्म बहुत होगी, आप लोगों की गाड़ी हीट बहुत होगी, तो इस सिस्टम के थ्रू आपकी गाड़ी जल्दी ठंडी हो जाएगी, तो ये भी बहुत अच्छा एक फीचर है। नेक्स्ट फीचर की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है गाड़ी में जो है वो ब्रेक, तो इस गाड़ी में आप लोगों को ड्यूल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छा है। 310 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक मिल जाएगा, और अगर हम लोग वहीं बात करें रियर डिस्क ब्रेक की, तो वो आप लोगों को मिल जाएगा, 240 mm का रियर डिस्क ब्रेक मिल जाएगा। तो दोनों ब्रेक बहुत अच्छे हैं, मैंने खुद चलाई है इस गाड़ी को, ब्रेक में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, मज़ेदार ब्रेक है। इसी के साथ साथ आप लोगों को फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल देखने के लिए मिल जाएगा, इसमें आप लोगों को सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब फ्यूल कितना है और गाड़ी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इंजन लाइट तो नहीं आया है, ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। और USB वाला तो मैंने बताया था आप लोगों को, वो भी बहुत अच्छा कूल फीचर है, आप मोबाइल चार्ज कर सकते हो, तो ये गाड़ी ओवरऑल फीचर से भरी हुई है। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के चेचिस की, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है, इसी के ऊपर पूरी गाड़ी टिकी हुई होती है। तो चेचिस बहुत हैवी है इस गाड़ी का, न्यूली डिज़ाइंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को ऑफ रोडिंग करने में। आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा जिसमें हिमालयन गाड़ी ऑफ रोडिंग करने के लिए जाती है लद्दाख में, और उसका चेचिस टूट जाता है, तो चेचिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी गाड़ी को, मतलब ऑफ रोडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है चेचिस।
चेसिस पर ही पूरी गाड़ी टिकी हुई होती है। अब बात कर लेते हैं नाइट ड्राइव में अगर आप लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो लाइट, तो इस गाड़ी में आप लोगों को स्पोर्टी LED हेडलाइट मिल जाएगा जो कि बहुत अच्छे हैं, नाइट ड्राइव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को। इसी के साथ साथ हाईली फंक्शनल विंड स्क्रीन भी देखने के लिए मिल जाएगी, तो ये आप लोगों को अच्छे अच्छे फीचर्स इस गाड़ी में देखने के लिए मिलेंगे। हाँ, एक फ़ीचर और है जो कि अगर ऑफ रोडिंग करते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वही होता है कि आप लोगों को सबसे तगड़े सस्पेंशन चाहिए रहते हैं, ताकि आप लोग अगर ऑफ रोडिंग करो तो आपको सस्पेंशन बहुत ही अच्छे मिलें, कोई प्रॉब्लम ना जाए उसमें गड्ढे गड्ढे कुदाने में। तो इसमें आप लोगों को 7-स्टेप एडजस्टेबल रियर सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाएंगे, तो सस्पेंशन बहुत अच्छा रोल अदा करते हैं किसी भी अगर एडवेंचरर बाइक में, तो सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं इस गाड़ी के, तो आप इस गाड़ी को कंसीडर कर सकते हो। इस गाड़ी में हाई ग्राउंड क्लियरेंस भी मिलेगा आप लोगों को, तो कहीं से भी आप एकदम कुदा दो इस गाड़ी को, जंगल, पहाड़, नदी, झरने, कहीं से भी कुदा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस गाड़ी में। गाड़ी को लेके मुंबई की सड़कों पे घूमने के लिए गाड़ी चलाने में बहुत मजा आ रहा है। हम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। गाड़ी में एकदम इंस्टेंट टॉर्क आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, गाड़ी चलते चलते उठ जाती है। अच्छा, हमको सिखा रहा है फीचर वाइज बहुत अच्छी है, इस गाड़ी को आप कंसीडर कर सकते हो लेने के लिए। बैगन, तो अभी हम लोगों ने ली है SX250 की राइड। राइड बहुत शानदार थी, मजेदार थी, लाजवाब थी, गाड़ी में कोई कमी नहीं है। 250 cc का इंजन देखने के लिए मिलेगा गाड़ी में, जो कि बहुत अच्छा टॉर्क प्रोड्यूस करता है और मजेदार गाड़ी है, चलाने में एडवेंचर है। गाड़ी चलते चलते उठ जाती है, जैसा आप लोगों ने वीडियो में देखा ही होगा, गाड़ी को अगर 2 नंबर पे उठाना चाहो तो 2 नंबर पे उठ जाती है। विली मारने के लिए गाड़ी बहुत अच्छी है और गाड़ी स्टंट करने के लिए बहुत अच्छी है। स्टंट नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को मतलब मजा आता है स्टंट करने में, तो कर लेना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। वैसे तो मैं मना करता हूँ लोगों को स्टंट करने से, लेकिन हाँ, प्रॉपर गियर पहन के आप लोग कर सकते हो स्टंट। और मजेदार गाड़ी है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया है, आप लोग इस गाड़ी को कंसीडर कर सकते हैं 2.5 लाख रुपए के प्राइस, 2.5 लाख रुपए की कीमत में। इससे अच्छी गाड़ी आप लोगों को एडवेंचर के लिए नहीं मिलेगी। इस गाड़ी को अगर देखा जाए तो जो BMW की गाड़ी है ना, जब मैंने पहली बार जब देखा था इस गाड़ी को मतलब रोड में, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि BMW की जो गाड़ी आती है G310 वो है, लेकिन मुझे बाद में इसका लोगो दिखा जो है वो सुजुकी का, तो मुझे लगा यार ये फर्स्ट कॉपी बना दी है गाड़ी को, लेकिन इसमें मजा नहीं आएगी। लेकिन मैं गलत था, गाड़ी में मजा बहुत है, टॉर्क अच्छा है, फील अच्छा है, पावर अच्छी है और सुजुकी का भरोसा भी है, तो गाड़ी आप कंसीडर कर सकते हैं। ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है, आप लोग इसमें मतलब एग्री भी कर सकते हो, डिसएग्री भी कर सकते हो, जो भी होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक, शेयर, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।